वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली इधर है। मेरा नाम अली दादा। मेरा नाम आमर। सैंडविच मूवी का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में सॉन्ग था बहुत अच्छा था, भाग के देख। अभी नहीं हुआ शादी को, इतनी भी जल्दी क्या थी? हाँ भैया, उसे नौ रुक जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? क्यों नहीं जानती छुटकी, तूफान इधर आ जाएगा। क्या तूफान? और मेरा बोलने का मतलब है कि वहाँ के लोग तूफान मचा डालेंगे और बहुत सारे काम अधूरे छोड़ के आया हूँ मैं। अरे बेटे, यही कोई काम शुरू कर लेना, रब का दिया सब कुछ तो है अपने पास, शहर में रखा ही क्या है? आप नहीं जानती ताई जी, जो शहर में रखा वो शहर में रह जाए ना, उसी में हम सबकी भलाई है। और मेरा बोलने का मतलब है कि शहर में रखे हुए मेरे ढेर सारे सपने, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो मेरा राइटिंग का शौक है ना, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया वो भी तो पूरा करना है। अरे पुत्र, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्वीटी और अपनी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाते? नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है और प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है, हुआ तो नहीं है ना। पता नहीं कब शुरू होगा। अरे मैं बोल रही हूँ, कब शुरू होगा तेरा ये काम, 5 साल से सुन रही हूँ। माँ, तेरा और तेरे काके का नसीब अच्छा है जो 5 साल में काम शुरू हो रहा है, वरना तू नहीं जानती ये फिल्म लाइन के सपने है ना, ये बड़े लंबे चलते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ओ जी सुनो। हाँ जी। ओ जी, मैं कह रही थी जी। क्यों जा रही थी? मम्मी ने तो सिर्फ टंकी शूटिंग पे जाओगे। हाँ जाना तो बड़े गाने शूटिंग पे। और हीरोइन को सीन भी तो सी समझाओगे? हाँ समझाना तो राइटर को पड़ता है, वरना हिंदी फिल्म में एक्टर हिंदी किसको आती है। ओ जी, जब सीन समझाने जाओ ना तो ऐसे क्लीन शेवन मत जाना, थोड़ी ना क्यों दाढ़ी शाड़ी पढ़ा लेना और थोड़े बाल शाल भी खेल लेना और थोड़े ना पुराने स्टाइल के बिना स्त्री वाले कपड़े पहन लेना। ओ क्यों? मुझे किसी हीरोइन का दिल आप पे आ गया तो हर अब्बा मेरी तो नहीं हो जाएगी। ओ हीरो सेल्फी पानी दो। चुप कर रहे। ओ जी सॉरी जी, मैंने तो आपका दिल लगा दिया। ये गल नहीं है, तुम सी रो मत जी, तुम मेरे दिल को नहीं समझेगी। मेरे दिल में ना वायलेंस है, ड्रामा है, इमोशन है, सेक्स, तुम्हें समझेगी। अच्छा तू हीरोइन की चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा हीरोइन। अच्छा नहीं नहीं रहूंगा, रोना नहीं है। नहीं मैं नहीं रहूंगा। चला। हाँ जी मुझे रोना मत जी। नहीं मैं नहीं रहूंगा, रोना मत। अरे बाबा बाबा, बजा गया यार, बजा गया। अरे बारात का शॉट तो कमाल का भी आएगा। और वो जो घोड़े पे गधा आया ना, उसका तो क्लोजअप भी लिया मैंने। अरे रेडी, एक काम कर, अब किसी तरह तू मंडप में घुस जा ताकि धीरे धीरे का शॉट भी मैं ले लूंगा। एक मिनट एक मिनट। हाँ, सर जी, अगर पार्टी को मालूम हो गया ना कि हम उनके मंडप में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो वो लोग शूट कर देंगे। अरे यार, मनोज कुमार सकल बुरी है बात, अच्छी क्या कर। अरे यार, ये निशा क्या बाबा ने अपना बंगला शूटिंग के लिए भाड़े पर देना शुरू कर दिया, बड़ी शूटिंग हो रही है। इनकी औकात है कि बंगला भाड़े पर लेने की? एक्चुअली शेखर, यहाँ पे असली शादी हो रही है। अरे शादी हो रही है ऐसी? निशा क्या कर रही है? रुक जा, वरना मैं गोली मारूंगी। सुनो सुनो बेटी, रुक जाइए पापा, वरना मैं अपने आपको गोली मारूंगी। नहीं निशा, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, मैं विकी के हर दिन शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो बेटी, बेटी बहुत अच्छा लड़का तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। नहीं रहना है मुझे खुश, शादी में शेखर से ही करूंगी। निशा, शेखर का कोई पता ठिकाना नहीं है, वो तो तुम्हें धोखा देकर भाग गया। निशा ये क्या कर रही हो तुम? शेखर तुम आ गए, पापा जबरदस्ती मेरी शादी विकी से करा रहे थे। पापा, आपकी दिल की तमन्ना थी ना कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो। शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन मेरी पसंद से शेखर हम लोग इसी वक्त शादी करेंगे। इस वक्त? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ बेटा, अब जल्दी बैठ जाओ मंडप में। ये क्या बात कर रहे हो मदन, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे तुमने तो विकी के साथ दिशा की शादी तय की थी। मैंने तय की थी ना, अब मैं ही तोड़ रहा हूँ। कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारी। निशा तेरी यही प्रॉब्लम है कि तुम कभी कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अरे यार, इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, कम से कम 7 तक तो गिनो। तुमको कैसे बताऊँ मैं तुमको, तुम जा साइड में, तुमसे गल कर लूंगा यार। अरे यार
चिल्लाना मालिक के अंदर की बात समझा सको। क्या समझाओ तू अपने आप को क्यों नहीं समझा? तुम जानते हो निशा कितनी जिद्दी है, ये गोली मार लेगी अपने आप को। मान जाओ प्लीज। अरे यार ऐसे कैसे गोली मार लेगी यार? निशा मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मेरी गल सुन ले, तू मेरी बात सुन ले पहले। निशा मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? क्यों नहीं कर सकते? प्यार करते हो ना मुझसे? नहीं नहीं प्यार तो मैं करता हूँ, मगर निशा मैं तुझसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ यार। राव साहब वो गोली मार लेगी। नहीं 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 बोलो, मैं नहीं बोलो, मैं नहीं बोलो, मैं नहीं। नहीं 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 जी ये तुम क्या कह रहे हो? ये बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताई? क्या बात कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं बताई? तो बार बार मैं बोल रहा था कि कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहा हूँ। वो क्या था? अभी हाथ में बिस्तर लेकर खड़ी हो गई सर के ऊपर, और अभी कहने लगे कि पुत्र बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बोलकर बैठा दिया मंडप के अंदर। मैं तो खड़ा का खड़ा रह गया ना। अंकल फिर मेरा क्यों होगा? देखो बेटा मैं सब संभाल लूंगा, बस अभी निशा से कुछ मत कहना। अभी क्या, मैं तो कभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या है कि पहली रात वाले दिन बात साफ हो जाए ना तो अगली सारी रातें बहुत साफ सुथरी गुजरती है। अंकल जी अब प्लीज उसको टेल एवरीथिंग यार। नहीं नहीं बेटा नहीं। देखो बेटा निशा को कभी प्यार नहीं मिला, बचपन में माँ चल बसी और मैं सारी जिंदगी बिजनेस में उलझा रहा। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे ही प्यार की खुशी है उसके पास। आई नो। वो सब कुछ बांध सकती है बेटा, तुम्हारा प्यार नहीं बांध सकती। आई नो। अरे यू नो दैट व्हाई आर यू बैठ रहे हो? जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। अंकल जी प्लीज संभाल लेना आप। प्लीज संभाल लेना। हाँ मैं सब संभाल लूंगा। राव साहब आपके फेस में कन्विक्शन नहीं लग रही संभालने वाली। क्या बात कर रहे हो? मैं सब संभाल लूंगा। और यार दिन और रात मैं संभाल लूंगा, तू सिर्फ बात संभालना। मुझे सिखा रहा चालू आदमी को। क्या मैं तेरे दिन रात नहीं संभाल लू? तुम यार समझ पर राव, जब तक मैं निशा को नहीं बताऊं ये बात किसी और को नहीं पता चले। नहीं सर नहीं पता चलेगा। हाँ? आपकी डायरी लिखने की आदत भी अजीब है। अभी अभी मुझसे कह रहे थे कि किसी को कुछ बताना मत, और खुद ही लिख रहे हैं। विक्की तुम यहां क्या कर रहे हो? निशा ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें गोली में बिठाकर इज्जत से अपने घर ले जाना चाहता था, मगर तुमने कोई बात नहीं होता। भले ही मेरी बारात खाली हाथ लौटी, लेकिन मैं तुम्हें पाकर रहूंगा निशा। लेकिन तुम होश में तो? हाँ मैं होश में हूँ। निशा तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे लाल किस बात की नहीं होती। चलो चलो किससे हो? हट जा वरना गोली मारूंगा। मैं बोल रहा हूँ तुझे। अच्छा गोली मारेगा तो मैं बम मार दूंगा। मेरी वोट हट जा, गोली मारूंगा तुझे। अरे चलोगे? अंकल सर जी तुमसे कुछ
पेट्रोल पंप उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा पेट्रोल पंप में। आगे नहीं आना, गोली चला दूंगा मैं। नहीं, नहीं विक्की, नहीं विक्की, नहीं नहीं विक्की, नहीं नहीं विक्की, नहीं। विक्की भाई खुद भी गए, दोस्त बेचारे अंकल को भी गोली मार के चले गए हरामी। अब लड़की नहीं करना चाहती तो क्या जिद्दे में पाकर रहूंगा यार, ये तो पागलपन है ना। वो टकलू सही ना, वो पुराना टेंगू चाली वाला, वो भी पागल रहा हरामी, इसमें वो आ गई आत्मा। बाकी यार हमारे भाई जो राजा बाबू है ना, इसका फिर से भाई पंडित सही बोला था, शादी दो होगी, दो दूसरी भी हो गई अब तो यार, पता नहीं क्या होगा। भी झटका लगा दिया एकदम, हम भी परेशान हो गए यार, अंकल जी को मार दिया, वो तो अच्छे थे, कह रहा है किसी को नहीं बताना मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर ये विक्की जो है बड़ा आराम खोर है भाई, वो जो तेंगो चाली में गुंडा है ना कान काटने वाला, इसके कान काटता आराम खोर के ना, अच्छे लगता कुकु कुकु करता इधर भी भाई, बड़े बेरहम था वो भाई, ये कच्चे फौजी का कैसे हालत की उसने, हमें याद है आज तक। और ये वाला देख कर ना हमें उसकी याद आ गई, ये कमीना मर भी गया वो, अभी कल भी बतमीज कैसे रो रहा है यार मेरे विक्की, नहीं नहीं हंसी दिला दिए, कमीना रोने में भी हमें एहसास आए। लग गई भविष्यवाणी पूरी की पूरी हो गई यार, ये तो पूरे का पूरा मामला ही खतरनाक हो गया, ये विक्की बड़ा हरामी निकला, अंकल को भी गोली मार कर खुद ही जलकर भस्म हो गया, ये कल भी बतमीज है वो भी रो रहा है, सारे पूरे का पूरा शोक हो गया भाई। मुझे इसका नाम क्या है, कल भी बतमीज़? हाँ बस यही नाम है इसका, कल भी बतमीज़ आज भी बतमीज़। ये वाला पार्ट था भाई बहुत अच्छा लगा, और यार विक्की तो जहन्नम गया बेचारे, अंकल को भी ले गया यार, बहुत अच्छा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।